अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जय भुट्टा टीवी। मैं आप सबका होस्ट जहाँ जय भुट्टा। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि गाइस, पिछली वीडियो में मैंने जावा एडिशन के खेला था, लेकिन यार वो मैंने कहा ना, मेरा कीबोर्ड पे इतना हाथ नहीं बैठा, तो अब मैं क्या करूँगा। नहीं बैठा तो मतलब नहीं बैठा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब मतलब भाई, मुझे मोबाइल पे ही खेलने की आदत है। तो देखो भाई, मेरी मोबाइल पे जितना भाई मेरा हाथ हिला ना भाई, मतलब कि भाई मैं उतना फास्ट फास्ट कीबोर्ड पे नहीं खेल सकता। तो अब यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले तो मेरे पास कितना सारा सामान हो गया, और यहाँ पे सबसे पहले सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे गए तो मेरा दरअसल बैडलैंड्स फेस स्टार्टेड है, आप लोगों को पता होगा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ये मतलब ये रेड स्टैंड वगैरह बहुत कुछ जमा हो गया, और यहाँ पे मेरे पास ये रहे रेड स्टैंड स्टोन, ये वाले स्टोन, और गाइस ये वाले स्टोन वगैरह ये बहुत कुछ आ रहे हैं। तो मुझे आज इस फेज़ को ख़त्म करना है, और कोई और बिल्ड का मैं सोच नहीं रहा, क्योंकि ना तो मेरे पास कुछ है बिल्ड करने, मतलब बिल्ड करूँ भी तो क्या करूँ यार। तो अभी बेहतर है भाई मैं जाके अपने फेज़ को माइन करता हूँ, ताकि फेज़ जल्दी से ख़त्म हो भाई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और हाँ, एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया गाइस, वो देखो आप मेरा एक्सपी फार्म भाई, मतलब कि भाई इतना कमाल का बनाया ना भाई, मुझे बहुत टाइम लगा, लास्ट वीडियो मैंने आधा छोड़ा था। और यहाँ पे गाइस हमारे बहुत सारे मॉब्स आ चुके हैं, इनको मारना पड़ेगा। आजो तुम लोग, आजो आजो भाई, ये तो निकल सकती है, दूसरे नहीं निकल सकते। आजो आजो आजो, ओके। तो यार मुझे अंदर जाना पड़ेगा, इधर आ, तो इधर भाई इधर आ। ओके, तो गाइस इस क्रीपर को मारना पड़ेगा भाई, ये क्रीपर ना कसम से बता रहा हूँ बहुत तंग करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे गाइस मुझे यहाँ पे आधी स्लैब जोर ला के लगानी पड़ेगी, जो कि अभी मतलब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अभी लगा दूंगा मैं। तो यहाँ पे अभी गाइस फिलहाल के लिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे स्टोन स्लैब ऊपर की साइड पे, बल्कि ऊपर की साइड पे नहीं, मैं नीचे की साइड पे लगाता हूँ, और ऊपर की साइड पे मैं डर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि अभी स्लैब्स तो है नहीं, तो इसीलिए। तो गाइस यहाँ पे नीचे भी बहुत अंधेरा, तो नीचे भी स्पॉन हो सकते हैं, तो यहाँ से भी गाइस जाना ही बेहतर होगा। तो अभी यहाँ से जल्दी से गाइस हम अपना फेस को माइन करना स्टार्ट करते हैं। और गाइस यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के बारे में बहुत कमेंट आ रहे थे, तो यार लाइव स्ट्रीम तो अभी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि यार भाई इतना टाइम नहीं होता, मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ। तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम गाइस आज संडे था, मैं आज नहीं कर पाया, लेकिन फिर कभी यार ज़रूर करूँगा लाइव स्ट्रीम, नेक्स्ट संडे गाइस पक्का, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तभी गाइस मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा पक्का। लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपने इस फेज़ को ख़त्म करें। इसमें क्या है, वाह गोल्डन एप्पल नेम टैग, और ये सैंड मिल जाएगी, और ये सैंड, और ये, और बस, और इसको तोड़ देते हैं जल्दी जल्दी। और गाइस अगर मैं चेस्ट माइन कर देता और ये आ जाता, तो भाई मेरा सारा कुछ बर्बाद हो जाना था। चलो कहीं नहीं, इसको जल्दी से माइन करते हैं। और गाइस इस फेज में कोबलस्टोन मिलना बहुत मुश्किल है। ओ भाई साहब, फिर से ये आ गया, मेरा इतना कुछ चला गया। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया सो हो गया भाई, इसलिए इसे टाइम से कलेक्ट करते रहना चाहिए। गाइस लावा फर्स्ट टाइम मुझे मिला है भाई, सब लावा बकेट फर्स्ट टाइम मिली है मुझे भाई। भाई स्वाम्प शुरू हो गया भाई, पांचवा पे फेज भाई, शुक्र है वो वाला फेज खत्म हुआ। और अब भाई इसको माइन करो मशरूम को, और ये मैसलिन आ गया भाई, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे भाई शवल का काम आने वाला है, इसको यूज़ करो भाई। तो गाइस यहाँ पे ये भाई मतलब, और ये मैंने क्यों लगा दी यहाँ पे, तो इसको भी हम माइन करते हैं। लेकिन अभी गाइस मेरा क्या बिल्ड करूँ, मुझे आइडिया दो यार, मैं क्या बिल्ड करूँ, मतलब मेरे पास कोई बिल्ड करने का कुछ आइडिया ही नहीं है, मतलब अब और क्या बिल्ड करूँ, ना मेरे पास कोई विलेजर है, ना ही कोई मेरे पास अपना पेट है कोई जिसको के लिए मैं कुछ बिल्ड करूँ। ओके, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है।
ओके तो गाइस अब हमें यहाँ पे गाइस हमें और ज़्यादा वो मिलने का तो चांसेस है नहीं भाई। एक सेकंड, मेरे पास जगह नहीं, स्ट्रिंग फेंकनी पड़ेगी। दूसरा ये क्या है, डायरोट, डायरोट नहीं भाई लेना। और अभी मैं जाके सारा सामान स्टोर करवा देता हूँ। और मेरे पास पिकैक्स और नहीं है। ओके पिकैक्स भी बनाता हूँ और लामा के लिए मैं सोच रहा हूँ घर बनाऊँ। ओके आज की वीडियो में लामा के लिए घर भी बनाते हैं। तो अभी गाइस इसको स्टोर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको, इसमें इसको, यहाँ पे, यहाँ पे, और सैंड और भी बहुत ज़्यादा मिल गई गाइस, सैंड बहुत ज़्यादा। और लावा को मैं यहीं पे रखूँगा क्योंकि इसका यही काम है। और दूसरा मेरे पास स्वाम्प के लिए गाइस मेरे पास ये वाली जस्ट मैं सोच रहा हूँ रख लूँ। यहाँ पे मैं भाई क्ले रखूँगा, वुल मेरे पास पड़ी हुई है दो, और भाई बाकी सामान नीचे। एक सेकेंड, कैक्टस यहाँ पे होगा। ओके तो गाइस मैं सारी चीज़ें अभी ऑर्गेनाइज करके रख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। और यहाँ पे एमरल्ड भी रख देते हैं, एक एमरल्ड है। दूसरा गोल्डन एप्पल चार चार हैं और पांच पांच नेम टैग हो जाएंगे मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास वाटर बकेट भाई इतनी ज़्यादा हो गई है। चौथा यहाँ पे इसको रख देते हैं, इसको यहाँ पर मशरूम का रख देते हैं। और गाइस कुछ भी नहीं रखने वाला मैं। क्या रखूँ, स्पाइडर आई इसमें नहीं रखनी, स्पाइडर रखनी मुझे इसमें। तो अभी मेरे ख्याल से मुझे लामा का घर बनाना स्टार्ट करना चाहिए दोनों लामास के लिए। और ये मेरे ख्याल से नेचुरली स्पॉन्ड है तो अभी मुझे इनके लिए पहले लीड ले। एक सेकंड गाइस मुझे विल्जर की आवाज़ आई, वेट अ मिनट। दरअसल गाइस एक मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, मुझे एक विलेजर भी मिला था और मैंने यहाँ पे फेंस नहीं लगाए। मुझे एक विलेजर भी मिला था लेकिन गाइस वो मैंने उसका ध्यान ही रखना नहीं रखा था। और ये बेड भी मैंने उसी के लिए लगाया था लेकिन वो विलेजर मर गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो मिला ही नहीं मुझे वापस दोबारा। और अभी यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ, इस लामा को लीश करके मैं यहाँ पे बांध देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और मैं अभी सो जाता हूँ भाई, अभी रात नहीं हुई क्या। और गाइस यहाँ पे भी हम सो जाते हैं जल्दी से। अब सुबह उठ के गाइस अभी हम कर देंगे लामा का घर बनाएंगे। तो उसके लिए गाइस मैं सोच रहा हूँ लामा का घर बनाऊँ मैं किससे, वुड से। लेकिन वुड की तो हमें पड़ रही है कमी। लेकिन अभी मैं बनाता हूँ सबसे पहले वुड का फेंस थोड़ी सी, क्योंकि गाइस मुझे चाहिए फेंस। और इसे भी ले लो भाई, पकड़ लिया। फिर यहाँ पे और फेंस किधर है फेंस। अच्छा मैंने स्टिक, गाइस मैंने स्टिक्स ही नहीं पकड़ी। अच्छा याद है मैंने स्टिक्स ही नहीं पकड़ी यार। फेंस अब बनेंगी मेरे पास तीन तीन, और मुझे तीन तीन ही की शायद ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे इसको लगाना होगा। हाँ तो गाइस यार यहाँ पे मैं सोच रहा था कि गाइस मैं ना अपनी लामा का घर उसके फेस से बनाऊँ, लेकिन यार यहाँ पे तो मैं सोच रहा हूँ उसका घर गाइस मुझे बनाना चाहिए वुड का। और वुड मेरे पास गाइस है अच्छी खासी, वहाँ पे वुड की कमी नहीं है क्योंकि मेरे पास गाइस बहुत सारे दरख्त हैं। सपड़ोस के दरख्त हैं और दूसरा ये वाले दरख्त हैं। सपड़ोस के दरख्त गाइस मुझे मिले थे चेस्ट में से। तो अभी यहाँ पे इनको तोड़ते हैं, लेकिन मैं ओक के घर से ओक से बनाने लगा। और वहाँ पे गाइस हमारे स्पाइडर भी एक आई हुई है एक्सपी फार्म में। और यहाँ पे
गाइस यहाँ पे मैं इसको तोड़ लेता हूँ सारी वुड को। ओके तो गाइस मैं सोच रहा हूँ लामा का घर यहाँ पे बना लूँ, क्योंकि ये जगह मेरे ख्याल से सही रहेगी। तो लामा का घर मेरे ख्याल से बनाना शुरू करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी सी और वुड चाहिए होगी, और वो चाहिए मुझे सैप्रस की। और यहाँ पे मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके मुझे गाइस यही चाहिए, बस वुड चाहिए मुझे, इसके प्लैंक्स नहीं चाहिए। और ये भी मेरे ख्याल से सैपलिंग्स ड्रॉप कर देगा। और यहाँ पे मैं मेरे ख्याल से ख़त्म, हाँ। तो अभी लास्ट वाले को तोड़ लेते हैं, और अभी सिर्फ एक और है ऊपर, और एक और। भाई ये कितना बड़ा दरख्त है। ओके तो गाइज मैं अभी जाता हूँ और जाके यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.
let me eat my weight in glee. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हाँ तो गाइस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने बनाया लामा का घर, जो कि लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑसम। ये देखो गाइस, काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस, तो अब हम क्या करेंगे इस घर में। गाइस मैंने काफ़ी, मतलब मुझे तो वैसे अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।